तो गुसल का तरीका के गुसले जनाबत होवे जिन्हें गुसले फर्ज भी आदन या जुम्मे दे वास्ते गुसल है गुसले मसनून है ईद वास्ते गुसल है गुसले मसनून है इहदा तरीका कार के है कि सब तो पहले तुसी बिलखसूस शादी शुदा अफराद ये तुसी सुन लो हम बिस्तरी तो बाद अगर छोटा पेशाब ने कर दे गुसल कीता भी ने होना क्यों कि अंदर कतरात रहे वैसे वो कतरे जिस टाइम निकले थोड़ा गुसल फिर टूट जाएगा बैठो जाओ गुसल तो पहले छोटा पेशाब करो फिर उस पेशाब नू पिछले जुम्मे दे दसवें तरीके नाल इस्तिबरा अखीरले कतरे तक दा इंतजार करके इस्तंजा करो फिर जिथे जिथे पलीती लगी उस जगह साफ करो समझ आ गई उस जगह साफ करो साफ करन तो बाद हुण वुजू करो के करो जिहड़ा आम असीं वुजू करदे आ वो वुजू करो जिथे कुल्ली करनी है उत्थे ही त्रै गरारे करो के करो गरारे कर लो और पानी इत्थों तक आवे इत्थों तक डिजाइन नहीं ड्रामाबाजी नहीं पिछा ना 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 इत्थों तक पानी हत्ता के अगर बलगम मौजूद आई और पानी इत्थों तक नहीं पहुंच सकिया तां भी गुसल नहीं होया नक नक दे अंदर बलगम आई साफ कोई ना आई तुसा रवायती तरीके नाल त्रै छट्टे मार दिते कोई ना होया भाई जी कोई ना होया जितने तक के तोड़े नाक अंदरों मुकम्मल तौर पर साफ नहीं इससे वास्ते हुक्म है कि नाक के पानी पाओ तो खब्बे हाथ दी चीची सही करके मारो फिर नाक नु सही करके साफ करो ताकि कामिल तरीके नाल नाक दी इस हड्डी तक पानी पहुंच जाए समझ आई समझ आ रही हूं कई भी चुहा देखो सुन लो हूं दस भाई तेन हिंजे असं इतनी तनखा दें तू सुन लो मसले दसन लग पे ये भी जरूरी नहीं बल्कि ये सब तो पहले पिछे बाकी चीजें उस तो बाद अपना वजू करो अगर जनाब दा बाथरूम उदा फर्श ठीक है हमवार है पानी नहीं खलोंदा तो इसे वजू नाल अपने पैर भी धो लो अगर तले पानी खलोंदा वद तुसा पैर नहीं धोने हुण के करो हुण अपने जिसम ते एक मरतबा इस अंदाज नाल तुसा पानी पाना है सिर दियां वालां तो लेके पैरां दियां नाखना तक एक वाल भी खुश्क न रवे ख्याल करने वाली जगह केड़ियां कन्न दे अंदरली जगह है जड़ी सामने सामने जगह ना जी अंदर ए सारी ए इनू तर करने ने नहीं तो तां भी गुसल नहीं हुण माशाल्लाह ए बेलियां नाल गए कढ़ाइयां छड़ाइयां खादियां ढेड़ गए वध हैं जी जेले ढेड़ वधदा तां नाफ अंदर वड़ वेंदी ने हुण पानी तो जिसम ते वही गया नाफ दे अंदर तक पानी कोई ना गया सामनी सामनी जगह ते तां भी गुसल कोई ना होया अमूमन जेले बंदा नहा रहे होंदा इत्थों बंदा पानी सटदा ना जी ये मोढे तो इस मोढे तो सज्जे तो वत खब्बे तो ऐ हुंदा ना बहाड़े मैं तैनूं सद्या सी साड़ी ज़बान पे तुसीं नूं किया दिओ इहदे तले जिहड़ी जगह हुंदी इत्थे तले पानी नहीं वहिंदा उत्तों पानी किरके ढह पौंदा तले इस जगह दा ख्याल करो इत्थे पानी सही सट्टो बैक इसका ख्याल करो ए घुटने की पिछली जगह इसका ख्याल करो ए टखने की बैक साइड जिन्हों खुचा सा देने इसका ख्याल करो यानी इस अंदाज नाल पानी कि जरा जिसम का जायरी हिस्से किसे जगह तेरी कोई बाल बराबर खुशकी भी नहीं रहनी चाहिए तीन दफा पानी पहनो सारे जिसम से डालो इस अंदाज नाल डालो हूं आखिर ते के करो जले तको नको पानी अगर ना हमवार जगह आई फर्श ना हमवार आई पानी निकल गया या नहीं भी निकलता सैड ते होके अपने पैर धो पैर पाक कर लो त्रै बारी पानी पैरों ते वहा लो पाक कर लो हुण बाहर यानी तुसी लिबास पहन के बाहर आ गए तुहाडा वुजू भी हो गया तुहाडा गुसल भी हो गया वुजू भी हो गया ते गुसल भी हो गया गुसल दे तीन फर्ज हैं किहड़े किहड़े गरगरा करना गरारा जिन्हों सद इतों तक पानी अपनावना चंगा जी उत्तम मुंह करके गरारा करना है इतों वाला डिजाइन वाला नहीं नहीं ये नहीं आ इतने हूँ मैं थोड़े सामने एक्टिंग ना पे करता को मैं एक्टर ना लेकिन जनाब का दीन पे सिद्धा करता जड़ा मेरी समझ है
وما توفیقی الا باللہ، اللہ دی توفیق تو علاوہ نہیں ہے، ایتھے صحیح اتم منہ کر کے غرغرا کرو تاکہ تو تک پانی، یہ پہلا فرض ہے۔ اس تو بعد ناک وچ پانی پاونا اس ہڈی تک، ہاتھ لاؤ ہاتھ لاؤ، ہڈی کتے ہے نا، اس تک پانی دا پہنچنا لازمی ہے، اور ہر بار نال اس انگلی نال صاف کرو ناک نوں تاکہ اندر کوئی ایسی جگہ نہ رہے جتھے تک تھوڑا، ہن ویکھو نا بالاں نال اگر بلغم لگی ہے تو کی ہوسی، اس تے پانی کیوں نہ پہنچے، جے پانی نہیں پہنچے تو پھر غسل نہیں ہوئے۔ چنگا کر کے اس نوں صاف کر کے پانی پہنچاؤ۔ اور تیسرا فرض کیڑا ہوندا، پورے جسم نوں اس طرح پانی اس تے باونا کہ جسم دا کوئی حصہ بھی خشک نہ رہ جائے۔ اے ہو گئی طہارت۔